नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान, भूपेंद्र यादव को हटाए जाने पर कहा कि इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। प्रदेश कार्यालय में जानकारी मिलने के बाद कुछ कहेंगे, यदि नए प्रभारी बनेंगे तो उनका स्वागत होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि बीजेपी हाईकमान का जो फैसला होगा वही होगा, हम कार्यकर्ता हैं, जो निर्देश आता है वो करते हैं। CAA और NRC पर कहा कि ये मुद्दा राज्य का नहीं है, केंद्र सरकार जो कहेगी वही होगा, यदि केंद्र सरकार लागू करेगी तो राज्य सरकार को करना ही होगा। राजद पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी किसी से डरती नहीं है, पाप से मुक्त नहीं हुए हैं, बेल मिली है। लालू जी चल बसे तो राजद खत्म। हमारी प्रार्थना है कि उनकी सेहत सही रहे, उनके परिवार को बुद्धि मिले। संपत्ति जब्त करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले से NDA की सरकार बिहार के अंदर कर रही है, इसलिए ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कहा है, और उन्होंने जो कहा है उस पर जरूर अमल किया जाए। अब देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये भी मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का है, इसमें शीर्ष नेतृत्व का जैसा फरमान होगा, केंद्र की सरकार का ये मुद्दा है, ये मुद्दा बिहार का नहीं है, किसी राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र की सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी वह भारत की सरकार है, भारत के जनता के द्वारा कार है, वह सरकार बनने के बाद किसी दल की सरकार नहीं होती है, ये राष्ट्र की सरकार है, यहाँ के जनता की सरकार है, और देश की जनता जो निर्णय लेना होगा वो देश के सभी राज्यों को उसका पालन करना होगा।